मटोली मोहल्ला से कविता कुमारी, जो अपने बेटे के पास वकालत गई थी, उनके बंद घर में अज्ञात चोर के द्वारा चोरी की गई। कविता कुमारी वापस आने के पश्चात दिनांक 9/9/2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान इस कांड का उद्भेदन हुआ। इसमें चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से चोरी गए सामान की बरामदगी की गई है। कमल हसन की गिरफ्तारी के पश्चात उनके लिए खदियान में अन्य तीन अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इनके पास से सोना का एक मनटिक्का, एक नथिया, एक अंगूठी, एक बाली, चांदी का पायल दो जोड़ा, बिछिया तीन जोड़ा, एक मॉनिटर और नगद 2000 रुपया बरामद किया गया। ये लोग साथी चोर हैं और इस शहर में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इस कांड का तत्परतापूर्वक अनुसंधान करते हुए 24 घंटे में इस केस का उद्भेदन करने में सफल हुई। हमारे दल में थानाध्यक्ष के अलावे अजितेंद्र कुमार, कोनी राजीव कुमार, कोनी खुशबू कुमारी, जो इस केस की आयु थी, इन लोगों का अहम योगदान रहा है। इन लोगों को प्रोसीड करने की अनुशंसा की जाएगी। कुमारटोली मोहल्ला से कविता कुमारी, जो अपने बेटे के पास वकालत गई थी, उनके बंद घर में अज्ञात चोर के द्वारा चोरी की गई। कविता कुमारी वापस आने के पश्चात दिनांक 9/9/2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान इस कांड का उद्भेदन हुआ। इसमें चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से चोरी गए सामान की बरामदगी की गई है। कमल हसन की गिरफ्तारी के पश्चात उनके लिए खदियान में अन्य तीन अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इनके पास से सोना का एक मनटिक्का, एक नथिया, एक अंगूठी, एक बाली, चांदी का पायल दो जोड़ा, बिछिया तीन जोड़ा, एक मॉनिटर और नगद 2000 रुपया बरामद किया गया। ये लोग साथी चोर हैं और इस शहर में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इस कांड का तत्परतापूर्वक अनुसंधान करते हुए 24 घंटे में इस केस का उद्भेदन करने में सफल हुई। हमारे दल में थानाध्यक्ष के अलावे अजितेंद्र कुमार, कोनी राजीव कुमार, कोनी खुशबू कुमारी, जो इस केस की आयु थी, इन लोगों का अहम योगदान रहा है। इन लोगों को प्रोसीड करने की अनुशंसा की जाएगी।